नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। रंका से प्रमोद कुमार यादव की रिपोर्ट। रंका झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संबोधित करते हुए मिथिलेश ठाकुर के पक्ष में मतदान करने का लोगों से की अपील। झारखंड में हमारी सरकार बनी तो रंका प्रखंड के चीर परिप्रेक्षित मांग ऊंचरी गाँव में ग्रेफाइट माइंस खोला जाएगा एवं लुग फीचिया तथा मनबोधी नाले पर डैम बनाकर नहर के माध्यम से हर खेत को पानी दिया जाएगा, जिससे इलाके के किसानों के समृद्धि के द्वार खुल जाएंगे। उपरोक्त बातें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रंका हाई स्कूल के मैदान में महागठबंधन दल के प्रत्याशी मिथिलेश ठाकुर के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि राज्य की रघुवर सरकार ने पिछले 5 साल में झारखंड के लोगों के विकास के पैसे को लूटने खसोट कर तिजोरी भरने का काम किया है। चुनावी जनसभा को महागठबंधन दल के नेता सिराज अहमद, राजद के जमरुद्दीन अंसारी, पूर्व सांसद घुरन राम आदि ने संबोधित किया। आश्चर्य की बात यह है कि एक तरफ इस राजनीतिक जंग में पूंजीपतियों का, धनवानों का, ठेकेदारों का, लुटेरों का एक पूरा जमात खड़ा है और दूसरा तरफ आदिवासी, दलित, शोषित, पीड़ित, कमजोर व्यक्ति एक किनारे खड़ा है और उसका प्रतिनिधित्व आज पूरे इस राजनीतिक में, पूरे इस जंग में हम लोग यूपीए महागठबंधन की तरफ से स्टार प्रचारक के रूप में आदरणीय गुरुजी और मैं अकेला, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को किस षड्यंत्र के तहत जेल में ठूस दिया गया है वो आप सबको पता है, नहीं तो आज वो बाहर होते तो रंग ही कुछ और होता, फिर भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उनके 100 के बराबर हम अकेले और इनको हम मुंह तोड़ जवाब देने निकले। आज ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, आज ये चुनाव इस राज के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारे मजदूरों के लिए, हमारे ग्रामीणों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, हमारे बूढ़े बुजुर्ग महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण चुनाव। आज इस राज में भाजपा गठबंधन का सरकार चल रहा है जिसका मुखिया माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, और मुझे लगता है रघुवर दास जी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने 5 साल में इतना उछल कूद किया है, आप लोग व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से लगभग बहुत लोग जान चुके हैं कि आज हमारे कितने सिपाही की जाने चली गई, और तो और इन बेमानों ने ऐसे ऐसे पुलिस सिपाहियों को उस मुहिम में भेजने का काम किया जो नक्सल से लड़ने की दक्षता नहीं रखते। होमगार्ड को भेज दिया उनसे लड़ने के लिए, बेचारा उनका जान चला गया। और ये नक्सल मुक्त झारखंड कहते हैं। हमसे रोज पूछा जाता है मीडिया के माध्यम से, मैं उनको स्पष्ट रूप से कहता हूं 5 चरणों का चुनाव ये स्पष्ट रूप से दर्शा रहा है कि राज्य की हालात ठीक नहीं। आज 5 सालों में इन्होंने विकास काम छोड़कर बाकी सारा कर्म कर लिया, लूटने खसोटने का, अपना जेब भरने का सिर्फ काम इन लोगों ने किया। आपके स्थानीय विधायक का तो कमाल ही, अभी चुनाव आ रहा है आप तो देख रहे हैं उनके गाड़ियों से पैसे बरामद हो रहे हैं, और अमित शाह जी कल परसों उस मंच में बोला उन्होंने कि इस राज्य सरकार को उन्होंने कितना पैसा दिया, जो उन्होंने भाषण दिया उन सभी को, कभी 14,000 किसी में, 10,000 किसी में, उस सभी आंकड़ों को मैंने नोट किया। जब हम उसको कैलकुलेटर में जोड़ने लगे तो कैलकुलेटर भी गड़बड़ा गया, इतना नोट उन्होंने दिया। जब हम सोचे भाई इतना पैसा, बड़ी मुश्किल से आज ये भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त करने वाली सरकार, पूरी तरीके से भय भूख भ्रष्टाचार के संलिप्त ये सरकार, आज इसके खिलाफ, आज इसी के सरकार में लोग
इसके भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वाले विधायकों को पार्टी का टिकट नहीं दिया जाता है, पार्टी से बेदखल कर दिया जाता है। आज इनके खिलाफ भ्रष्टाचार पर कोई बोलेगा या तो जेल जाना पड़ेगा या तो पुलिस की गोली खानी पड़ेगी। आज भारतीय जनता पार्टी का जो विधायकों का लिस्ट निकलता है उसमें सबसे ऊंचा ऐसा व्यक्ति का नाम होता है जिसके ऊपर महिला के द्वारा रेप का एफआईआर दर्ज हो, वो उनका विधायक होता है। यही पर है, इसी पर मंडल के मंत्री इनके आते हैं, स्वास्थ्य मंत्री। वो ऐसा मंत्री कि पूरा राज्य स्वास्थ्य व्यवस्था को इन लोगों ने बीमार कर दिया। आज यहां पर 108 एम्बुलेंस घूम रहा है जहां तक, और ये लोग बोलते हैं नंबर मिलाओ तुरंत 108 का एम्बुलेंस हाजिर। यही इधर ही कहीं इसी क्षेत्र का हमने सुना है कि एक गांव में महिला के लिए प्रसव के लिए उस एम्बुलेंस को फोन करता रह गया पूरा गांव, एम्बुलेंस को नहीं पहुंचा, बेचारी महिला सड़क पर ही बच्चे को जन्म दी और बच्चे की जान चली गई। अस्पताल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे जहां हमारे बच्चे पढ़ेंगे, सरकारी स्कूल बनाएंगे। दिल्ली का हेडक्वार्टर बना 2000 करोड़ रुपया का, कहां से पैसा आया, कौन पैसा दे रहा है, क्यों पैसा दे रहा है इनको। आज यहां इनके पास गरीबों को देने के लिए पैसा नहीं है। आज इसीलिए जेल का कोठरी जैसा घर हमारे गरीबों को दे रहा है। आज बताओ उस घर के हालत ये है, पहले तो घूस देते और उस घर के अंदर बिजली भी होगा, पंखा भी होगा, पानी भी होगा, माँ बाप बेटा बेटी के लिए अलग अलग कमरा भी होगा। और इन बेमानों ने जो शौचालय बना रखा है कोसों दूर घर से, वो शौचालय भी उसी घर के अंदर होगा, ऐसा हम घर। 11-13 जिले बांट करके यहाँ के हमारे पिछड़े जातियों को नौकरी से वंचित कर दिया, इनके आरक्षण खत्म कर दिया। हम इससे पहले भी इस क्षेत्र में आए थे और हमने ये कहा था और घोषणा किया था कि सरकार बदलेगी, महीने भर के अंदर पिछड़े जातियों को 27% का आरक्षण देने का काम झारखंड गठबंधन करेगा। आसमान देखता रह गया, आम नागरिक तो छोड़ो, यहाँ पर सरकार में कार्यरत कर्मी सब का भी वही हाल है, जितने भी अनुबंध कर्मी है सबकी हालत देख ली, चाहे वो पारा शिक्षक हो, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया हो, कैसा उन महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ आप लोगों ने देखा। ये सरकार उन महिलाओं की हत्या करने पर तुली हुई थी। पारा शिक्षक बेचारा आपका हक अधिकार मांगते मांगते 50-60 पारा शिक्षक मारा गया, उसका परिवार आज सड़क में भीख मांगने पर मजबूर हो गया और कल आत्महत्या करने पर मजबूर होगा। हमने ये निर्णय लिया है कितने भी राज्य में अनुबंध कर्मी के कर्मचारी हैं उनको सभी सेवा सत्यों के साथ हम जोड़ेंगे और उनका जो भी तनख्वाह है, जो भी उनका वेतनमान है उस पर हम लोग वेतनमान सुनिश्चित किया जाएगा। कई ऐसी चीजें, समय का अभाव है, लेकिन साथियों आज तभी यह संभव है जब इस राज्य में आपका सरकार बनेगा। जब तक इस राज्य का झारखंडियों का सरकार नहीं बनेगा तो ये छत्तीसगढ़ी सरकार कभी भी झारखंड के लोगों की भलाई नहीं कर सकती। और आज जिस तरीके से हमारे जमीनों का रसीद नहीं कट रहा है, हजारों एकड़ जमीन, लाखों एकड़ जमीनों की रसीद नहीं कट रही, आपका साथ छोड़े हैं, पार्टी छोड़े हैं, क्षेत्र छोड़े हैं, तो हमको अगर जिताइएगा तो 24 घंटा 365 दिन आपकी सेवा में रहेगा आपका भाई, आपका बेटा मिथिलेश ठाकुर। आश्वस्त करता है कि आपका बेटा, आपका भाई 24 घंटे आपकी सेवा में रहेगा और 10 साल में आपने जो धन्यवाद।